नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको 22/1/2019 मतलब 22 जनवरी 2019 को जो आज के डेट में एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन को लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो दोस्तों रिपीट हो रहे हैं। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा हो तो ज़रूर क्वेश्चन आपको मिला होगा रिपीट वाला। तो चलिए देखते हैं, जिनका नेक्स्ट कल एग्जाम है वो सारे वीडियो को देख लें एक बार, उन्हें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कम से कम 4-5 क्वेश्चन जरूर आपका रिपीट होगा। तो चलिए देखते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान कैमा है। तो इसका स्थान कितना है, 77। नेवी के प्रमुख कौन है, तो नेवी के प्रमुख है जो सुनील लांबा है। इंडियन वुमेन हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, तो रानी रामपाल है। उसके बाद मेंस हॉकी टीम के, ये आपको पूछा गया था, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, मेंस हॉकी टीम के मनप्रीत सिंह है और कोच जो है जहरेंद्र सिंह है। चार मीनार के निर्माणकर्ता कौन है, तो कुल्लू कुतुब शाह है, जो आपको कहाँ स्थित है, आपका हैदराबाद में स्थित है। चिल्ली कहाँ स्थित है, तो चिल्ली जो है आपका साउथ अमेरिका में स्थित है। उसके बाद पूछा गया था काइनेटिक एनर्जी की बीमा क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी की बीमा m^1, l^2 और t^-2, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का भी यही होगा, वर्क का भी यही होगा। उसके बाद आपका पूछा गया A2 और A3 ड्राइंग सीट का रेशियो क्या होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हूँ। पिछले वीडियो में पूछा गया था A4 और A3 का, इस बार पूछा गया A2 और A3 का, तो इसका रेशियो कितना होगा, 2:1। EMF का यूनिट क्या होता है, तो जो वोल्टेज का यूनिट होता है वही आपका EMF का यूनिट होता है, वोल्ट। बी क्लास का आग किसे कहते हैं, बी क्लास के आग में कौन कौन आता है, तो आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब जो हो गया जो आपका बी क्लास के आग में आता है। ए टाइप क्लास में आपको बता देता हूँ, लकड़ी, कागज़ जो है जो ए टाइप में आते हैं। सी टाइप में आपका LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, जो आपको सी टाइप क्लास में आते हैं। इलेक्ट्रिक के कारण लगने वाले आग जो है जो आपका डी कैटेगरी में आते हैं, डी क्लास में आते हैं। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ, तो हम लोग जाते हैं फॉर्मूला Q=mS∆T होता है, S/Q/m∆T, Q का यूनिट जूल हो जाएगा, m का यूनिट kg हो जाएगा और डेल्टा टी का यूनिट केल्विन हो जाएगा, तो इसलिए जूल प्रति kg केल्विन। उसके बाद ड्राइंग शीट की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, ये सारे ये वीडियो मैंने 100 क्वेश्चन का वीडियो डाला था दोस्तों, सारे लगभग अधिकतर क्वेश्चन जो है जो उसी 100 क्वेश्चन में से पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, 100 क्वेश्चन है, आप एक बार ज़रूर उसे देख लें। तो ड्राइंग शीट में लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो 1:2। 1 लीटर में कितना मीटर क्यू होता है, तो 1 लीटर में 0.001 मीटर क्यू होता है, जो मीटर क्यू होता है, इसलिए इसको जब पावर में चेंज करें तो 10^-3 क्यूबिक मीटर। नदिया मुरीद गेट नोबेल अवार्ड इन विच कैटेगरी, तो उन्हें किस में मिला था, तो शांति के क्षेत्र में मिला था। विच कैटेगरी, तो शांति के क्षेत्र में मिला था, पीस यानी शांति के क्षेत्र में। एफिल टावर कब बना था, तो 1887 में एफिल टावर आपका बना था। वन लाइफ इज ए नोट इन अ पुस्तक के लेखक कौन है, तो नटवर सिंह। अल हराम मस्जिद कहाँ स्थित है, तो मक्का सऊदी अरब में। लैपटॉप में उपयोग होने वाला बैटरी कौन है, तो लिथियम आयन बैटरी। और भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा दोस्तों, जैसे जैसे मेरे पास आता जाएगा क्वेश्चन, मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करता जाऊँगा। मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है दोस्तों, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, इस नंबर पे आप लोग जो क्वेश्चन पूछा गया है वो शेयर कर सकते हैं। 9470264933 पे आप लोग जो क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा गया जिनका एग्जाम हो चुका है वो क्वेश्चन को शेयर करें, तो आगे मैं उन सारे क्वेश्चन को बताऊँगा। तो चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।